स्थिति से संबद्ध सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कॉलेजों और विद्यालयों शिक्षण संस्थानों के लिए और बिहार बोर्ड से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए आज विद्या मैगजीन का विमोचन किया गया, जो वर्ष 2019 का प्रथम अंक है। इस मैगजीन के माध्यम से बिहार बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जानकारी इसमें अंकित की गई है, जो सीधे सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और विद्यार्थियों को इसके माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इसकी प्रतिलिपियां राज्य के सभी लगभग 10,000 वैसे संस्थान हैं, 6,000 से भी अधिक मैट्रिक इस शिक्षा देने वाले संस्थान हैं और 3,300 से भी अधिक इंटरमीडिएट के शिक्षण देने वाले संस्थान हैं। ऐसे सभी संस्थानों को इसकी प्रतिलिपि भेजी जाएगी। इसके साथ साथ इस मैगजीन में आगामी अंकों में अब से यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक 3 माह पर नियमित रूप से इसका प्रकाशन कराया जाएगा और आगामी अंकों से इसमें राज्य के विद्यालयों के, कॉलेजों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ में अन्य लोगों के भी आलेख इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं और उनको भी प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा OFSS के माध्यम से राज्य के इंटरमीडिएट संस्थानों में जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, थर्ड राउंड तृतीय सूची का नामांकन चल रहा है। कल तृतीय सूची के नामांकन की अंतिम तिथि है। कल नामांकन खत्म होने के पश्चात सभी शैक्षणिक संस्थानों को यह सूचित किया जा रहा है और उसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों को भी यह सूचित किया जा रहा है कि 7 जुलाई को बिहार बोर्ड की OFSS की वेबसाइट खोलकर उस पर जितनी भी कॉलेजेस हैं बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के शिक्षण संस्थान में शिक्षा देने वाले, उन सभी कॉलेजों की बची हुई जितनी सीटें हैं उन सीटों की जानकारी विद्यार्थियों को 7 जुलाई को वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके आधार पर वे जिस कॉलेज में भी स्पॉट नामांकन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में वे 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच आवेदन भरेंगे और संबंधित संस्थानों के प्रधानाचार्य इन 3 दिनों में प्राप्त आवेदनों के आधार पर जितनी उनके यहाँ रिक्तियाँ हैं और जो भी उनके यहाँ आरक्षण कोटिवार श्रेणी रिक्ति की उपलब्धता होती है उसको 11 तारीख को अपने संस्थान के, अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर कम से कम 3 से 4 जगहों पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित करेंगे और उस सूची के आधार पर 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। इस प्रकार जो पहले स्पॉट नामांकन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी 8 जुलाई के पश्चात, अब उस शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन करते हुए अब यह प्रावधान किया गया है कि 7 जुलाई को सभी स्टूडेंट्स वेबसाइट पर रिक्तियों की सूचना देख लें, उसके बाद 8 से 10 जुलाई तक अपने अपने जिस कॉलेज में वे चाहते हैं वहाँ पर जाकर फिजिकली वहाँ पर एप्लीकेशन जमा करें। 11 जुलाई को उस कॉलेज के प्रिंसिपल एडमिशन लिस्ट जारी करेंगे और 12 से 15 तक उसमें नामांकन लिया जाएगा और इसके साथ ही 15 जुलाई 2019 तक पूरे नामांकन की प्रक्रिया, इंटरमीडिएट की प्रक्रिया अंतिम रूप से समाप्त कर दी जाएगी और यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह बहुत एक विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है कि उसके बाद जो सेशन शुरू होने का जो समय होता है, पढ़ाई का सेशन अब पूर्ण रूप से सही समय पर लोग प्रारंभ करेंगे सभी विद्यार्थी और किसी को भी किसी प्रकार की इसमें शैक्षणिक सत्र के विलंब होने की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसके साथ ही अभी जो वर्तमान में फॉर्म भरने की कार्रवाई चल रही है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए, मैं इस संबंध में सभी छात्र छात्राओं से यह अपील करना चाहूँगा कि चूंकि इस वर्ष से बिहार बोर्ड द्वारा सभी कॉपियों पर सभी विद्यार्थियों की फ़ोटो प्रिंट करने का प्रस्ताव है, अर्थात सभी स्टूडेंट्स के सभी कॉपियों पर उनकी तस्वीर छपी रहेगी, इसलिए यह आवश्यक है कि जो तस्वीरें पूर्व के वर्षों में जो विद्यार्थी दिया करते थे उसमें से कई तस्वीरों का या तो रिजोल्यूशन क्लियर नहीं रहता था या तस्वीरें अस्पष्ट होती थी या वो जो तस्वीर होती थी उसमें
फेस जो चेहरा है विद्यार्थी का वो अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा होता था और अन्य बैकग्राउंड ज़्यादा होता था। तो इस बार बिहार बोर्ड ने फोटो के स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हुए सभी अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचना प्रकाशित की है कि एक निर्धारित प्रकार के ही फ़ोटो उनको अपलोड करने हैं। अभी भी यह सूचना मिल रही है कि कई विद्यार्थियों ने उसको अपलोड उस रूप में नहीं कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध होगा और सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से भी यह अनुरोध है कि उस स्पेसिफिकेशन को देखकर विद्यार्थी की उसके अनुरूप फ़ोटो मंगवा लें और उसके अनुसार से उसको अपलोड करने की कार्रवाई करें, क्योंकि पहली बार इस बार बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों के फ़ोटो को सभी कॉपियों में सभी OMR में छापने की कार्रवाई की जाएगी।